सच्चाई यही है। ओवर ईटिंग मैं भी करता था, बल्कि करता हूँ कभी कभी। जी हाँ, कभी कभी दिल करता है, यू बिकम लाइक एन ओवर ईटर, वो पिछले वीडियो में हमने समझाया है। बट द पॉइंट इज, ओवर ईटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्या ओवर ईटिंग कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। कैसे? पानी ओवर ईट कर लो। बोलेंगे सर क्या क्या सर, नहीं, वेजिटेबल, घर में पकी हुई सब्जी कढ़ाई भर के खा लो, घर में बनी दाल कुकर भर के खा लो। जी हाँ जी हाँ, रोटी ओवर ईट मत करो, राइट। सैलेड, सैलेड दबा के खा लो, मसाले डालो, मिर्च डाल लो, राइट, उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लो, थोड़े से सीड डाल लो, थोड़े से सेव डाल लो, मस्त अपनी चूड़ा बना लो, खा लो। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सेटिस्फाई योर ओवर ईटिंग हंगर, बट मेक श्योर टू चेंज थिंग्स इन टू हेल्दी डायरेक्शन। मुश्किल नहीं है, नॉलेज चाहिए। काहे का? मुझे क्या पसंद है, पहले खुद का नॉलेज चाहिए कि मैं ये खाता हूं तो मुझे स्वीट टूथ है, खट्टा पसंद है, तीखा पसंद है, कौन सा टेस्ट मुझे पसंद है, और फिर सोचो कि उस टेस्ट में कितनी कैलोरीज है। अगर मीठा पसंद है तो भाई साहब मीठा छोड़ दो, शुगर फ्री खाओ, उसका भी सलूशन है, शुगर फ्री स्टीविया, शुगर फ्री नेचुरा, आठ गोलियां पूरे दिन में खा सकते हो, मतलब आप शुगर फ्री वाली चीजें मीठी खा सकते हो, मतलब आप फ्रूट भी खा सकते हो, फ्रूट तो खा ही रहे हो, फ्रूट खा लो। ओवर ईट करना है तो जी हाँ, ओवर ईट कर लो, फ्रूट कर लो, बट डोंट ओवर ईट ऑन बर्गर्स, डोंट ओवर ईट ऑन पिज्जाज। मैं तो पूरे 2 पिज्जा खा गई सर, इतनी भूख लगी थी, मैंने 2 किलो कोल्ड ड्रिंक, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी ली। वॉट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, समझ रहे हो? सो ओवर ईटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, वॉट यू आर ओवर ईटिंग इज द प्रॉब्लम। का समझे? तो ओवर, अगर पतले होना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो शिफ्ट टू अ बेटर ऑप्शन, दैट्स इट।